विवाह और शादी और निकाह ये किसी भी देश और किसी भी संस्कृति में मानव जीवन में सर्वमान्य एक संस्थान होता है। और विवाह के समय एक स्त्री और पुरुष आपस में एक दूसरे के साथ जीने के लिए तरह तरह के रंगीन सपने देखते हैं और अपना जीवन गुजारने के लिए उन्माद सफलता के लिए ईश्वर से प्रेरणा लेते हैं कि हमारे वैवाहिक जीवन में सफलता मिले। और ठीक उसी के उलट कुछ दिन बाद ये समय आता है कि आपस में उनमें कलह होता है और यहाँ तक कि मामला कोर्ट तक पहुँच जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हम मौजूद हैं ग्वालियर के महिला थाने पर, जहाँ पर जिस थाने में सिर्फ महिलाओं के उत्पीड़न संबंधित शिकायत ही की जाती हैं, खासकर विवाह से संबंधित। जब पत्नी में विवाह होता है, उसके बाद विवाह के बाद में अपने जीवन बिताते हैं और कहीं ना कहीं कलह पैदा होती है, तो वहाँ पर वो शिकायत करने के लिए थाने में आते हैं। आज हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत परेशानियां हैं, किन्हीं कारणों से वो जूझ रही हैं और परेशान हो रही हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या समस्या है। विवाह उनके माता पिता की मर्जी से हुआ था या मान लीजिए आपसी सहमति से हुआ, लेकिन अचानक क्या हुआ कि उनको थाने तक आना पड़ा। आइए जी मैडम, कैसे आना हुआ यहाँ? मेरे हस्बैंड की पहली शादी हो चुकी है और मुझसे झूठ बोला गया था कि हमारी शादी नहीं हुई, और उनके माँ बाप रखना नहीं चाहते और लड़का भी रखना नहीं चाहता है। कितना समय हो गया आपकी शादी को? 2 साल हो गए मेरी शादी को। 2 साल तो आपको कब मालूम चला शादी के कितने दिन बाद? 7 महीने से घर पर हूँ, जब भी मुझे पता पड़ा। उनके ताऊ की लड़की ने बोला कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है, उनको ही रख रहा है वो। तो मतलब उनके ताऊ की लड़की ने बोला तब मालूम चला? और आपको कैसे बिलीव हुआ कि सच में शादी हो गई? उन्होंने फोटो भेजे थे हमारे पास। अच्छा, उनकी ताऊ की बेटी ने फोटो भेजी। हाँ, शादी से। तो आपने प्रयास नहीं किया कि इस बात से सुलह हो जाए या कुछ इसका समाधान हो जाए? हमारा फोन ही नहीं उठाता है वो, हमसे बात ही करना नहीं चाहता है, और उसके पापा गाली गलौज करते हैं हमसे, इसीलिए हम बात नहीं करते उन लोगों तो से। ये जैसे क्या संभव नहीं था कि सामाजिक तौर पर इस बात को सुलह हो जाए? वैसा तो आपने नहीं प्रयास किया, जैसे आपने माता पिता उनके माता पिता को बुला करके? हमसे बात ही करना नहीं चाह रहे ना, फोन ही नहीं उठाते हमारा। हमने बोला भी उनके आपके बेटा से कि क्या रखना चाहते हैं कि नहीं, तो वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं ना। तो कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं यहीं की ग्वालियर की हूँ, राजस्थान के। अच्छा, राजस्थान में आपकी शादी हुई थी? राजस्थान में कहाँ हुई थी? झालावाड़ काफी दूर है। तो यहाँ पर आपका FIR हो गई? हाँ। अब क्या प्रोसेस चल रहा है? अभी 3 तारीख है, हमें बुलाया गया है और अभी वो आए नहीं। संबंधित लड़के वाले नहीं आए? नहीं आए। ये मामला थोड़ा सा डिफरेंट था, चीटिंग का मामला था। ये महिलाएं के साथ धोखाधड़ी हुई है, पर वो व्यक्ति पहले से ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके बाद में मालूम चला कि शादी हो गई है। आप भी इन्हीं के साथ हैं? आप कैसे आए यहाँ पर बताइए, थोड़ी सी खड़ी हो जाइए। कोई दिक्कत? हाँ, खड़ी हो जाइए, थोड़ा सा 2 मिनट बोलिए जी। क्या नाम है आपका? सलमा बानो जी, क्या किस लिए आई हैं आप यहाँ? मैं आई हूँ, मेरे पति से मेरी लड़ाई हो जाती, मुझे मारते हैं मेरे पति। कितना समय हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को 8वीं साल चल रही है। 8वीं साल? शुरू से 8 साल से आपको लगातार मारते आ रहे हैं? हाँ, मारते हैं मुझे। तो आपको अब ऐसा? मुझे भैंस गायों की तरह मारते हैं मुझे। तो आपको 8 साल बाद मार खाने के बाद अब मालूम चला है कि आपको बहुत मारते हैं? अब ज्यादा ही हो, इसलिए ज्यादा पहले थोड़ा बहुत मारते थे। हाँ, मारते थे, अब ज्यादा मारने लगे। पहले थोड़ा बहुत मारा, फिर अब ज्यादा। बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं, बच्चों के ताना मारते हैं। अच्छा, बच्चे न होने के कारण वो आपको मारते हैं? हाँ, तो आपने सामाजिक स्तर पर जैसे उनके पिता से, अपने माता पिता से बात की? किससे? जैसे आप अपने पिता को लेकर के उनके माता पिता के यहाँ जाकर के आपसी सलह, जो शादी तो सामाजिक तरीके से हुई होगी ना? भाई, उन आपके पिताजी गए होंगे उनको देखने के लिए, उसके बाद आपसी रजामंदी हुई होगी, तो ऐसे दोनों के माता पिता से बातचीत करके आपने सुलह करने की कोशिश नहीं की? हाँ, हुई थी ना कोशिश की। तो क्या हुआ फिर? क्या जैसे आपने कोशिश नहीं, जैसे थाने पर आए आप? हाँ। तो भाई शादी के दिन तो थाने पर नहीं हुई होगी शादी आपकी? नहीं हुई थी। भाई आपके माता पिता वहाँ गए होंगे लड़का देखने के लिए, ऐसे ही आपने जो अभी परेशानी हो रही है? नहीं नहीं नहीं। तो आपने अपने माता पिता से नहीं बोला कि जाकर के वहाँ समझाइए और वो सुलह हो जाए? नहीं बोला। गए थे मेरे भाई वगैरह। अच्छा, तो क्या बोला? तो उन्होंने ना उल्टे बोल रहे थे, सही बात ही नहीं कर रहे थे वो पहली बार तो। अच्छा, बात नहीं कर रहे? हाँ, सही से बात नहीं कर रहे थे। कितनी बार प्रयास किया उन्होंने? बहुत बार प्रयास किया हमने, लेकिन वो बात नहीं करते, उल्टे बात करते हैं सही से। अच्छा, क्या करते हैं आपके पति? वो मॉल में ड्यूटी करते हैं। अच्छा, हाँ। अब उनको बोला कि मैं शिकायत करने जा रही हूँ? बोला है ना, सब बोला है, और अभी भी 2 महीने उन्होंने फोन से मुझे बात नहीं करी, उन्होंने एक भी दिन भी फोन नहीं लगाया। अभी आपकी FIR हो गई?
अभी नहीं हुई, करेंगे एफ आर आई। ये महिला हैं, इनको इनके विवाह को 8 साल हो गए, लेकिन इनको लगातार इनका कहना है कि वो उनके पति मारते हैं, और इन्होंने कोशिश भी समझाने की लेकिन नहीं समझे, आज वो एफ आई आर कराने आई हैं। और भी कुछ महिलाएं, आप भी थोड़ा सा बताइए क्या समस्या है। सर मेरे पति है ना, वो भी है ना ऐसा ही करते हैं, छोटे छोटे बच्चे मुझे घर से निकाल दिए, और रात में दारू पी के आते हैं, पैसे वैसे देते नहीं हैं। हम लोग काम करने जाते हैं, फिर रात में पूछते हैं, काम करने के लिए गई थी, फिर मुझे मारने लगते हैं। अच्छा, आपसे काम करने के लिए बोलते हैं ना? हाँ, उन्होंने बोला काम करने चले जाए करो, खुद कमा के लेके आते हैं, वो दारू पीते हैं, मानते नहीं है। क्या काम करते हैं? प्लम्बर का काम करते हैं। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? हम रहते हैं यहाँ पे पंचमुखी हनुमान पर, यही ग्वालियर में। हाँ, तो पैसा कमाते हैं? खूब पैसा कमाते हैं वो? हाँ, पैसा कमाते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं देते? नहीं, मुझे नहीं देते, अपने घर वालों को दे देते, कुछ अपने खर्चे में। कितने साल हो गए शादी को? शादी को हो गए 5-6 साल तो हो गए। 5-6 साल। आपके मायके की तरफ कौन कौन है घर में? सब हैं? भाभी भैया हैं, पर वो तो उनसे ना बोलते नहीं हैं। वो आपसे नहीं बोलते? नहीं, इनसे नहीं बोलते, मेरे से तो बोलते नहीं। तो आपने जैसे आपको पता चला 5-6 साल हो गए, आपने कोशिश की कि भैया भाभी को ले आकर उनसे शिकायत करी जाए और उन्हें समझाया कि भैया ऐसा मत करो? एक बार शिकायत करने आए थे ना, इन्होंने अंकल जी ने उनको बुलाया था, तो उनकी मम्मी बोलने लगी हम नहीं जा रहे हैं ना, तो उन्होंने काय के लिए शिकायत कर दी फालतू में, हमें नहीं जाना वहाँ पे, मैं समझा दूंगी इसे, नहीं मारपीट नहीं करेगा। और फिर उनका ये माता पिता नहीं है इसलिए आपकी कोई सुनने वाला नहीं है? हाँ। तो अभी क्या मेरे बोलते? अच्छा, नहीं है। भाई भैया आप मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते? मम्मी भी थी, मम्मी अभी गुजर गई। अच्छा, बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं, 2-1 साल का, 1-3 साल की है। जी जी, तो अभी यहाँ शिकायत कर दी आपने? अभी करने आया। अच्छा, तो दी ये महिला है 5-6 साल से परेशान है, इन्होंने शिकायत करने आए हुए हैं, इनको वो दारू पी के मारते हैं और पैसे वैसे नहीं देते हैं। और भी कुछ लोग हैं यहाँ हमारे साथ, मैं समझता हूँ आप लोगों की शिकायत है कुछ नहीं है, और बहुत हालांकि बहुत सारे लोग हैं लेकिन क्या है, कई लोग सामने नहीं आते, काउंसलिंग कर रहे हैं वहाँ पर भी थोड़ा चलते हैं हम लोग, बात करेंगे ज़रा। थोड़ा सा समस्या जानना चाहेंगे भाई साहब आपसे, क्या समस्या लेकर के आए हैं आप यहाँ? अच्छा, राजीनामा हो रहा है, मतलब बातचीत हो? अच्छा, लड़का चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आप? मुंह कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बोलो, सिर्फ कोई बात नहीं है, इधर आ जाइए, इधर है, कोई डरने की बात नहीं है। आप सलमा है आपका नाम? तो कितना साल हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं, ना मेरे पापा हैं ना मेरा कोई भाई है। अच्छा, ये गार्जियंस कौन लोग आए हैं आपके साथ? ये मेरे हस्बैंड हैं और घर पे ससुर हैं, सास हैं, 3 ननद। आपके मायके की तरफ से कौन है? मायके की तरफ से बस मेरी माँ है। माँ है आप? तो क्या समस्या है आपकी? 3 मेरी बेटियाँ हैं। फिर कम से कम इन लोगों को लड़का चाहिए ना, तो ये लड़की को पढ़ाते लिखाते ना कुछ, और मुझे बार बार मारते हैं, कभी मेरी फांसी लगाते हैं, कभी मुझे इतना बुरा मारते हैं मुंह में से खून तक डला लेते हैं। 13 साल हो गए आपको? 13 साल हो गए। 13 साल से लगातार? अच्छा, ये थाने पे आने की नौबत क्यों आई है 13 साल से आपको? आज आई है? आज नहीं, आज मैं थाने पे पार्सल भी आई थी, लेकिन मैंने हर बार ये बच्चों को देख के समझौता करा। तो ऐसा नहीं है आपस में आपकी माता और इनके माता पिताजी वगैरह बात कर लें और प्यार से समझा लें? समझौता नहीं हो सकता, तो मुझे कार्रवाई चाहिए बस। कार्रवाई करके क्या होगा, इन बच्चों को कौन देखेगा? मैं देखूंगी, और मैं नहीं। क्या करती हैं आप, काम करती हैं कुछ? हाँ, मैं काम करती हूँ। अच्छा, पार्लर पे काम करती हूँ मैं, वो भी अभी 6 महीने से करने लगी, जब ये छोड़ के मुझे चले गए तब मैं अपने बच्चों के लिए, अभी भी बच्चे मेरे पास रहते हैं, मैं किराए से रहती हूँ। तो मैं समझता हूँ, देखिए शादी जब हुई थी, जब आपके माता पिता आपस में मिले होंगे, माता पिता का मतलब है पापा नहीं है, कोई बात नहीं, माता थी आपकी, तो एक दूसरे समझ के बताया होगा कि लड़का है, यहाँ पर देखने गए होंगे, अच्छे से प्यार से शादी की होगी, बढ़िया धूमधाम से की होगी। तो जब शादी धूमधाम से हो सकती है तो समस्या का समाधान भी तो धूमधाम से हो सकता है। आराम से मैं लड़का कहाँ से दूंगा? मेरे मुझे बहुत सारे बच्चे मेरे पेट में खत्म हो चुके, ना तो ये मेरा इलाज करवाते हैं बच्चों के टाइम पे भी। चलिए, तो ये वाली बात बोल रहे हैं आप, बोल रहे हैं लड़का होना चाहिए तब आपको रखेंगे, ये है क्या करें। हम इनसे भी बात करते हैं, मौजूद है। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा सर इकबाल खान नाम है। क्या करते हैं आप सर? मैं मजदूरी करता हूँ। लोहिया बाजार? लोहिया बाजार में। क्या मतलब, लोहे वगैरह सामान उठाते हैं? नहीं, दुकान पे शॉप पे सेल्स ग्राहकों को देते हैं, सेल में नहीं। क्या समस्या आपके पत्नी की? समस्या ये है कि मैं इसको, ये मेरे मैयो आप हो, मेरी माता है, ठीक है, तो ये 8 महीने से मैं इसको अपने मैयो बाप को, इसने कहा कि अपन अलग रहेंगे, चलो मैंने ठीक है, मैंने 1 साल से अपने मैयो बाप को नहीं देखा, ठीक है, इसने कहा जैसा मैंने किया। क्या कहा इन्होंने? इसने ये कहा कि अपन अलग रहेंगे। क्या, किस लिए? इसलिए कि इसकी कंप्लेंट डली हुई थी थाने में, इसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे
तो मैं है ना थाने पे आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगी, कार्रवाई कर दूंगी। अच्छा ठीक है, इसके बावजूद भी चलो मैंने अपने एक साल से मैयो बाप को भी नहीं देखा, बेचारे बच्चे भी के स्कूल में मेरा पापा जाते रहे, उनने कहा ये कह रही हैं कि लड़का चाहिए ऐसा कुछ नहीं सर, वो बाप की बात है, लड़का ऊपर वाले की देन है। नहीं तो फिर इसके लिए आप प्रताड़ित करते हैं उनको? नहीं ये गलत है, फिर भाई उसके बाद भी ये घर पे भी मेरे से उल्टा सीधा बोलने लगी, बदतमीजी करने लगी। चलिए वो तो बात हो गई, अभी पोजीशन क्या है, अभी समझौते के लिए आए? हाँ सर समझौते के लिए नहीं हो रहा सर, ये भाई के साथ रहे बस यही समझौता चाहते हैं हम, उसको हमको ना तो काम करवाना ना घर पे अपने घर पे रहे। आप इतना कमाते हो उनका भर भर बस इतना, हाँ कर सकता हूँ मैं इतना, मेरे घर पे है। अच्छा हाँ मैंने अभी ये अभी आया था तब मैंने पूरा राशन पानी पूरा भर चुका हूँ, इसी वजह से मैं अपने बच्चों के बीमे भी नहीं भर पा रहा हूँ। चलिए ये समस्या क्या है, आपसी सूझबूझ की है, इसमें थाना या पुलिस या न्यायालय कुछ नहीं कर देगा, इनकी आपसी समझ की बात है। ये प्रयास कर रहे हैं, एक तरफ से प्रयास जारी है, दूसरी तरफ महिला का कहना है कि वो समझौता नहीं चाहती हैं। आइए इसके संबंध में हम यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उनसे बात करते हैं, क्या करें? हाँ तो वो प्रतिदिन क्या है इसी तरह के समस्याओं को सॉल्व करते हैं, काउंसलिंग कराते हैं और अपने स्तर पर नहीं हो समझौता नहीं होने पर वो FIR भी करते हैं। आइए चलते हैं हम, आप थोड़ा सा इधर आइए इस पर। इसी तारतम्य में हमारे साथ मौजूद है यहाँ के थाना प्रभारी, नमस्कार सर, स्वागत है जी। क्या नाम है सर आपका? RK सिंह। सिंह साहब हैं ये सर, आप ये डेली आपको यही इस तरह की जो FIR हैं इस तरह के केसेस हैं उनको डील करना पड़ता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? डेली जो परामर्श के लिए बुलाए जाते हैं जो भी पीड़ित महिलाएं हैं उनको यहाँ तारीख देते हैं, काउंसलर यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग में उनका घर बसाने का प्रयास करते हैं पति पत्नी का, और अधिकतर में उनका राजीनामा होके घर बस जाता है। जो इस तरीके के होते हैं कि जब देखते हैं कि इनका नहीं बस रहा है तो उसमें प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के लिए करते हैं। जैसे प्रकरण दर्ज करना आपकी मजबूरी होती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय का आदेश रहता है, लेकिन कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है कि FIR झूठी भी होती हैं, इसका आप आकलन कर पाते हैं, क्या इसमें विवेचना हो पाती है सर? नहीं देखिए उसके लिए हम लोग 4-5 काउंसलिंग कराते हैं और उसकी जांच भी कर लेते हैं, अगर FIR झूठी नहीं होती है, काउंसलिंग करने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि ये रियल में ये पीड़ित है। ये वो क्लियर हो जाता है। तो जैसे आप क्या संदेश, जैसे यहाँ काउंसलिंग कराने के बाद लोगों को आपके एक्चुअली क्या ये एक सामाजिक सरोकार है, ये इस तरह का जो आप थाने पर जो कार्य कर रहे हैं ये क्राइम से ज़्यादा सामाजिक सरोकार है? ये देखिए ये एक बहुत ही कहना चाहिए एक बहुत बड़ा एक पुण्य का काम है जी। कोई पीड़ित है पति से किसी बात को लेके, छोटी मोटी बातों को लेके आपस में टकराव हो जाता है, उसको फिर ये थाने आके रिपोर्ट करते, तो हम लोग 100% चाहते हैं कि इनका घर न बिगड़े, आपस में उनको मिलजुल करके काउंसलिंग करा के, परामर्श करा के, दो दो घंटे में भी बैठ के काउंसलिंग करा के, उनको उनके विचार सुनने के बाद उनको घर बसाने की कोशिश करते हैं और अधिकतर उनका घर बस जाता है। मोस्टली क्या है पुलिस वालों का काम क्राइम को कंट्रोल करना होता है, दूसरी तरफ एक इनडायरेक्ट वे में ये भी क्राइम है अगर देखा जाए तो, लेकिन क्राइम से पहले ये सामाजिक सरोकार है। इसमें आप इससे पूर्व में कई थाने में रहे होंगे, वहाँ में डीलिंग करने और यहाँ में डीलिंग करने में, हाँ सिंह साहब का कहना है कि हमारा पुरजोर प्रयास रहता है कि सबसे पहले हम कोशिश करें कि उनके विवाह का जो संबंध है वो बिगड़े ना, परिवार उजड़े ना, और ये प्रयास करते हैं कि अंत तक हम, और कोशिश भी करते हैं कि 70-80% मामले सुलझ भी जाते हैं, अंततः जब बात को नहीं निपटाया जा सकता तब अंततः FIR करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24, लगातार बने रहिए, जय हिंद।